लग रही है बहुत तेज भूख। देखो वहाँ पे बारिश हो रही है। फर्स्ट ट्राइकलर होस्टिंग इन इंडिया। इधर एक काला बादल बारिश लेके आ रहा है। कुछ नहीं, ये बैकयार्ड है अपने होटल का जहाँ पे हम रुके हुए थे रीफ एटलांटिस पे। और अभी हम लोग यहाँ से अभी सुबह के हो रहे हैं 10 बज रहे हैं अभी। और गुड मॉर्निंग आप सबको पोर्ट ब्लेयर से, पोर्ट ब्लेयर के होटल रीफ एटलांटिस से। अभी हम नहा धो के रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया, आलू पूरी खाया हमने चाय के साथ। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारी जो फेरी थी वो थी सुबह 10 बजे की। अब फेरी वालों का कल फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला है आपकी फेरी थोड़ी डिले हो गई है, वो हो गई है 2 बजे की। और हमारा चेकआउट टाइम था सुबह 9 बजे का। अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम यहाँ से 9 बजे हमने चेकआउट तो कर दिया है, 9:30 बजे चेकआउट कर दिया है, सामान हमने रिसेप्शन पर ही रखवा दिया है। और अभी हम सामान रिसेप्शन पर रखवाने के बाद हमारे पास 2-2.5 घंटे हैं, तो हम यहाँ पर घूमेंगे। घूमने फिरने के बाद हम यहाँ पे वापस आएंगे। वापस आके अपना सामान उठा के टैक्सी या ऑटो पकड़ेंगे, वो हमें हाडू जेटी तक लेके जाएगा। फिर हाडू जेटी से हम लोग जाएंगे, फेरी पकड़ेंगे और हम जाएंगे हैवलॉक। तो अभी नेहा किसी कॉल पे बिजी है, उसकी कोई ऑफिशियल कॉल आई है, तो जैसे ही वो आती है फिर हम निकलते हैं। कुछ पता नहीं हम कहाँ जाएँगे, पूछ से पास से किसी से, तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। पोर्ट ब्लेयर सुंदर जगह है, जहाँ भी जाएंगे कुछ ना कुछ अच्छा खाने पीने को देखने को मिल ही जाएगा। चारों तरफ व्यू है, ग्रीनरी अच्छी है, चारों तरफ समुद्र है, तो बहुत अच्छी जगह है। आप भी कभी आइए, एंजॉय कीजिए पोर्ट ब्लेयर में। तो ये रही स्कूटी, ये रहा हेलमेट, नेहा है अंदर, बस आ ही रही है बाहर। बैरन आइलैंड ना, वो आपको कभी सीजन में आना, सीजन कब का? अभी डीएक्टिवेट हो रखा है, उस टाइम लोग चलती है ना। आप गए हो बैरन आइलैंड? नहीं, हम लोग भी नहीं जाएंगे। नहीं गए क्योंकि वार्म शिप में जाते हैं। अच्छा, नाइट जर्नी होता है। नाइट जर्नी होता है? और कितना लंबा जर्नी होता है? आपको 4 घंटे का जर्नी। अच्छा, सबसे वो इकलौता एक्टिव वोल्केनो एशिया का, एशिया। और एक मड वोल्केनो एक है, वो तो डेड है। 12 आइलैंड जो क्रॉस है। तो अभी सर ने हमें बताया कि कॉर्बिन कोव बीच जा सकते हैं, वो अच्छी जगह है। हाँ, तुम पानी की बोतल ले आओ। और यहाँ पे एक बैरन आइलैंड करके एक जगह है जो कि यहाँ का इकलौता ज्वालामुखी है। यहाँ का ही नहीं, एशिया का इकलौता ज्वालामुखी है, पर वो अभी थोड़ा एक्टिव नहीं है, थोड़ा डीएक्टिव है। तो जब वो एक्टिव होता है तो यहाँ से लोग जाते हैं उसे देखने के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है वो। Absolutely. तो कॉर्बिन कोव जा रहे हैं अमन और नेहा, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले रोमांचक कार्यक्रम को एंजॉय करते रहने के लिए। मिलते हैं हवाओं के साथ स्कूटी भगाते हुए। चलते चलते हम रुक गए। ये फर्स्ट ट्राइकलर होस्टिंग इन इंडिया, ऐसी कुछ इस लोकेशन का नाम है। यहाँ पे तिरंगा लहराया जाता है
और ये 1943 कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट ट्राइकलर होस्टिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे सामने व्यू भी बहुत अच्छा है, सामने रोस आइलैंड है और वो भैया भोपू भोपू कर जा रहे हैं, उधर एक बहुत सुंदर सा मंदिर भी है वो, और नेहा यहाँ पे सेल्फी ले रही है। और यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स लगाया है, बादल चल रहे हैं वहाँ पे, बादल चलते हुए टाइम लैप्स बनेगा, और यहाँ पे बहुत सुंदर लहरें हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यू था, तो मन में आ गया लालच, स्कूटी हमने लगाई यहाँ पे पार्किंग पे और हम यहाँ पे रुक गए हैं टाइम लैप्स को कैप्चर करने के लिए। और अगर वहाँ पे आपको, क्योंकि हम जा रहे थे कॉर्बिन कोव बीच में, वहाँ पे कोई पैरा सेलिंग भी कर रहा है। तो रोड देखिए कितना अच्छा है, इतने सुंदर रोड है यहाँ पे, इतनी प्यारी ग्रीनरी है, ऊपर काले और सफ़ेद बादल, नीला आसमान, सामने रोस आइलैंड, और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में। देखो वहाँ पे बारिश हो रही है, मजा आ रहा था यार यहाँ पे। पर ये जो वक्त है ना, यहाँ में कहीं कैंसिल से बैठने नहीं देता। अरे तुम्हें नहीं आना क्या? चलो चलो, खुद आ नहीं रही है और मेरी वीडियो बनाई जा रही है, कहाँ गई ये रही। भाई सीन देखो भाई, दो भाई लोगो दोस्तों सीन देखो, क्या जबरदस्त सीन है। अब हमें लग रही है बहुत तेज भूख, so we'll absolutely have something here at Cowin Island. There definitely कुछ खाने को मिलेगा। The parking scooty here and then we'll go. ये हमारी स्कूटी की जगह। This is the Cowin Island. Wow. We have a problem. पर यार नहीं, हमारे पास टाइम बहुत कम है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 23 मार्च 1942 को जापानियों द्वारा इस द्वीप समूह पर कब्जा किया गया था। ओके, उन्होंने समुद्र तट के सामने कई बंकरों का निर्माण किया जो विरोधी सेनाओं के समक्ष किले के समान थे। आओ पहले तुम कुछ खा लो, है ना। चलो अब हम कुछ खा लेते हैं। अभी नेहा को बहुत तेज भूख लग रही है, इसको पहले कुछ खिला देते हैं फिर। बीच देखना था, बीच हमने देख लिया है, बीच काफ़ी सुंदर है। अभी हमें फेरी पकड़नी है, तो फेरी मिस हो जाएगी, हमें वापस होटल जाना है, वहाँ से अपना सामान उठाना है, सामान उठा के हमें हाडू जेटी के लिए निकलना है। हाडू जेटी वहाँ से 4-5 किलोमीटर है, ऑटो करके जाएंगे या ऑटो या टैक्सी कुछ तो करेंगे, यहाँ से निकलो। ये छोटा सा कुछ कैफ़े टाइप है, यहाँ पे कुछ खाएंगे हम। तो बहुत अच्छी सीनिक राइड थी, कितना मज़ा आया तुम्हारा राइड। इतनी अच्छी स्कूटी राइड मैंने नहीं की सच में, इतनी अच्छी हवा चल रही है, बीच किनारे साफ़ सुथरा बीच है, इतनी अच्छी ग्रीनरी है। हेलमेट क्यों लगा रखा है मैंने, अब सही लग रहा है। हाँ यू कैन हैव मैगी, I know I can have Maggie. Okay. You want to have? Yeah, I can also have. और यहाँ पे अगर आप देखोगे, सब ने अपने हेलमेट ना शीशे के ऊपर टांगे हुए हैं, यहाँ पे कोई चोरी चकारी का। यस यस आई कैन, हाँ एक ऑमलेट एक मैगी। गर्मी बहुत है, पसीने आ रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे लोग अपने हेलमेट सिर्फ शीशे के ऊपर टांग के चले जाते हैं, यहाँ पे कोई चोरी चकारी का डर नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। आओ बिंदास अपना हेलमेट लगाओ और स्कूटी पे टांग के, ये बाइक पे टांग के आप जा सकते हो। तो सोचो आप कितनी ही अच्छी जगह हो सकती है एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। वरना घूमने फिरने जाओ तो हर जगह यही डर लगा रहता है, कहीं कुछ चोरी ना हो जाए, ऐसे ना छोड़े वैसे ना छोड़े, नई जगह है, लोग कैसे हैं, लोग कैसे नहीं हैं, यही डर लगा रहता है बस। फेरी का टाइम है 2 बजे का, तो हमें 12:30 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचना है। 12:30 के आसपास वहाँ पर इसलिए पहुँचना है क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है, चेक इन किया जाता है, स्कैनिंग की जाती है, कोविड टेस्टिंग की जाएगी, कोविड सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। और अभी भागते हैं फटाफट यहाँ से, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि फेरी मिस हो जाए। बैग ले लो, बैग साथ रहे ना। हमने अपनी बीवी को ऑटो में बिठा दिया क्योंकि धूप बहुत हो रही है बाहर और हम स्कूटी में चल रहे हैं। He is lying, okay?
ऐसा कुछ नहीं है। बताओ इससे ज्यादा कोई क्या करे। यू आर लाइंग। नो नो आई एम नॉट लाइंग। यस यू आर लाइंग। सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है। देखो धूप में चल रहा हूँ, बारिश हो रही है और मेरी और धांगड़ी गाड़ी में बैठी हुई है। आदमी को एक ही काम है, बस झूठ बोलना, दैट इज इट। अभी हम बहुत जल्दी में हैं, ऑटो खाली है रास्ते में से ही, वहाँ से पता नहीं ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा होटल के पास से।